हद तो तब हो गई दोस्तों जब आज के दो दिन पहले यहाँ पर एक महिला गिर गई। हमारे सामने ही गिरी थी, चलते हुए आ रही थी जो डायरेक्ट जो नीचे गिरी। वही जो नाले हैं इसको साफ तौर पर ढक दिया, लेकिन अब जब हम इसको उठाएंगे तो आप हालत देखिए यहाँ की। अब यहाँ पर अभी जब बारिश आएगी और घे में अगर कोई बच्चा गिर गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बच्चे लोग का अभी गिरने का इधर डर है। मतलब आते हैं, देख के चले जाते हैं, वीडियो निकालते हैं, फोटो निकालते हैं, बोलते बस हो जाएगा, दो दिन में हो जाएगा, दो दिन में हो जाएगा, बट आज तक हुआ नहीं। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। वसई विरार शहर महानगर पालिका जनता के 18 करोड़ डगार गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ऐसा इसीलिए क्योंकि वसई विरार शहर महानगर पालिका द्वारा वसई विरार शहर के जो नाले हैं, जो गटर हैं, उनकी साफ सफाई या यूं कह लें उनके दुरुस्तीकरण के लिए 18 करोड़ का बजट पास किया गया था। परंतु आप हमारे ठीक बगल में देख पाएंगे कि वर्तमान समय में हालत जो है वो कितनी ज्यादा खस्ता है। हम इस समय नाला सुपारा पूर्व के रहमत नगर इलाके में मौजूद हैं, जहां पर ये जो पूरा गटर है, ये जो पूरा गटर है पूर्ण रूप से खुला हुआ है और यहां के लोगों को इसके वजह से काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हद तो तब हो गई दोस्तों जब आज के दो दिन पहले यहां पर एक महिला गिर गई। वो तो स्थानिकों की सूझबूझ की वजह से उसे तुरंत इस गटर से बाहर निकाल लिया गया और उसकी जान बच गई। लेकिन वर्तमान समय में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जो 18 करोड़ पास किया गया था वो कहाँ गया। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें इसकी वजह से कितनी ज्यादा समस्याएं हो रही हैं। सर, कितने दिनों से ये हालात हैं यहाँ पर? ये 3 महीने से है। तो आपने इस बारे में कहीं पे शिकायतें की कि ये ऐसे नाले खुले हुए हैं और आपको दिक्कतें हो रही हैं? यहाँ ऑफिस है मकवाने साहब को, वहाँ भी मैं कंप्लेंट किया, वो बोले लग जा, लेकिन अभी तक लगा नहीं। अच्छा, ये जो पूरा यहाँ पे ये जो पट्टी लगाया है ये कौन लगा के गया है? ये 2 दिन पहले बीएमसी वाले लगा के गए। और जो महिला गिरी थी उसे आप लोगों ने बचाया था? हम लोगों ने बचाया था, निकाला और दूसरी हम लोग को इंजाम लगा दी कि मेरा 10,000 रुपया ले लिए। अच्छा, वो महिला आप पे इंजाम लगा दी। तो आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ के स्थानिकों ने उस महिला की जान बचाई। अब लोगों का ये कहना है कि यहाँ से मात्र 10 कदम की दूरी पर यहाँ के पूर्व नगर सेवक भरत मकवाना का ऑफिस है, लेकिन उनके द्वारा इस पूरे मामले पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें कि महानगर पालिका का काम कुछ उस तरीके से है जैसे आप मान लीजिए कि अगर आप सड़क पर चल रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो गलती आपकी है कि आप सड़क पर चल रहे हैं। मतलब सावधान जनता को रहना है। यहाँ की वसई विरार शहर महानगर पालिका कुछ नहीं करेगी। हम आगे भी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ के स्थानिकों ने जो खुले गटर के ढक्कन है या यूं कह लें जो खुले नाले हैं उनको ढका हुआ है और वो लोग यहाँ पर दिक्कतों का सामना करते नजर आ रहे हैं। यहाँ के स्थानिकों ने जो है वो जो नाले हैं इसको साफ तौर पर ढक दिया, लेकिन अब जब हम इसको उठाएंगे तो आप हालत देखिए यहाँ की। अब यहाँ पर अभी जब बारिश आएगी और इस नाले के मतलब इस गड्ढे में अगर कोई बच्चा गिर गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जब बच्चे बह के चले जाते हैं तो महानगर पालिका बोलती है हमारी गलती नहीं है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं इसमें किसकी गलती नजर आ रही है? वसई विरार शहर महानगर पालिका को अपनी कार्य प्रणाली पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, यहाँ से मात्र 10 कदम की दूरी पर यहाँ के पूर्व नगर सेवक भरत मकवाना का ऑफिस है। नगर सेवक का काम होता है कि उनके इलाकों में जो भी समस्याएं चल रही हैं उस पर ध्यान देना और उस समस्या का हल निकालना। लेकिन भरत मकवाना जी ने आप देख पाएंगे किस तरीके से जो उनका ऑफिस है उसके सामने जितने भी गटर के ढक्कन हैं वो साफ तौर पर एकदम सही हैं, उनकी जो हालत है वो बिल्कुल सही है। लेकिन उसके पहले के जो उनके आसपास के जो गटर के नाले के ढक्कन हैं वो पूर्ण रूप से उनकी हालत जो है वो खस्ता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जो वसई विरार शहर महानगर पालिका है वो नींद से कब जागेगी। वर्तमान समय में इस इलाके में लोकसभा चुनाव का जो दौरा है वो लोगों द्वारा किया जा रहा है। उम्मीदवार अपनी अपनी वादे कर रहे हैं, अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें यहाँ के वसई विरार के जो नागरिक हैं, जो जनता है, उनकी समस्याओं के बारे में पता है? लोग आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन जो परिस्थिति है वो क्यों नहीं बदलती? सबसे बड़ा सवाल यही है। अब देखना यही होगा कि वसई विरार शहर महानगर पालिका के अधिकारी, यहाँ के पूर्व नगर सेवक जो कि यहाँ से मात्र 10 कदम की दूरी पर हैं, वो इस मामले को कब तक संज्ञान में लेते नजर आते हैं। बहरहाल, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।